प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति के सदस्य सह नेशनल एंटी करप्शन संस्था के जिलाध्यक्ष सफीर खान ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें वह जिला के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार पर जमकर बरसे। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को बंगाल पुलिस के सहयोग से धनबाद के ईस्ट बसूरिया ओपी प्रभारी शंकर विश्वकर्मा, उनके भतीजे सद्दाम हुसैन तथा उसके एक साथी पार्थो केड़िया को हाइवा चोरी के मामले में पकड़ कर ले गए और पकड़ने की ऑफिशियल तिथि 21 दिसंबर बताई। 3 दिन तक पुलिस ने सिर्फ दोनों को पीटने के लिए रखा। जब उन दोनों से मिलने परिजन पहुंचे तो मिलने नहीं दिया गया क्योंकि वे गंभीर रूप से जख्मी थे। पुलिस ने 3 दिन तक दोनों की जमकर पिटाई की। इस संदर्भ में जब पूछताछ करना चाहा तो ओपी प्रभारी शंकर विश्वकर्मा ने परिचय पूछा। जब परिचय एंटी करप्शन संस्था के जिलाध्यक्ष के रूप में दिया तो वह उखड़ गए और अन्य गंभीर मामला में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने लगे। विवाद बढ़ता देख इंस्पेक्टर ने समझाया तो मामला शांत हुआ। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में पुलिसिया तंत्र एक गुंडे की तरह सभ्य नागरिक से पेश आ रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वह कोर्ट जाएंगे, न्याय नहीं मिलने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की भी बात कही। मौके पर नरेंद्र भट्ट, राजन रजक, जूही खान, गुड्डू हैदर, दारा खान, धर्मेंद्र राव, गोपाल राम आदि मौजूद थे। अभिनंदन करता हूँ सारे चैनलों का और प्रिंट मीडिया का और अखबार वालों का। मैं परसों हमारे एक मित्र ने फोन किया कि हमारे भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है ईस्ट बसूरिया थाना में। तो हम लोग यहाँ से धनबाद के लिए निकले और धनबाद कोर्ट में पता किए तो कहा कि आज उसकी हाजिर करेगा। यहाँ हम लोग पता किए तो पता चला कि सदर मेडिकल अस्पताल में उसको ले गया है। वहाँ जाने के बाद, उनसे मिलने के बाद, हम लोग उससे बातचीत करने का प्रयास किया तो पहले तो बात नहीं करने दे रहे थे। बड़ा मुश्किलों से हम लोग ने उससे बात किया तो उसमें से एक लड़का था सद्दाम हुसैन, उसका पांव देखे कि उंगली टूटी हुई है, लंगड़ा के चल रहा है। बोले क्या हुआ है, तो बहुत रोते हुए बोला कि मारा है। और जो पार्थ के लिए भी बताया कि हमारे साथ 3rd degree का उपयोग किया गया है और हम लोग को 18 तारीख को अरेस्ट किया है। क्या आरोप था? आरोप वो किरान से कोई गाड़ी पार करवा रहा था किसी के कहने पर, हा? उसका कोई मित्र था जो कहा कि हमको थोड़ा हेल्प करो, हमको मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, उसको थोड़ा सा पार करवा दो, किरान बुला दो। उसका यही दोस्त था। फिर उसके बाद क्या हुई? उसके बाद वहाँ एक दो जमादार थे, एक पासवान जी एक आलम जी, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ इसके साथ तो मारपीट तो आए और वो उन लोग को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा करके कोर्ट के तरफ ले आए। तो हम लोग कोर्ट के तरफ आए, हम लोगों ने कहा कि कुछ सामान उसको देना है, ठंडा का दिन है, जैकेट है, कपड़ा है, दे देते हैं। हम लोग जब देने लगे तो उसको हम लोगों ने कहा कि तुम मजिस्ट्रेट साहब से बताओ कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, यही हम लोग का अपराध था। उसमें वो थाना प्रभारी आग बबूला हो गए है और उल्टा सीधा बोलने लगे। हमने कहा कि भाई आप ऐसा अत्याचार करते हैं, देश को आज़ाद हुए काफ़ी दिन हो गया और आप आज भी ये पुलिसिया रवैया अपना रहे हैं, ये गलत बात है ना, ऐसा आप ना करें, है ना, इनसे बात करने दें, इनको जो ज़रूरत की चीज़ है वो जेल में नहीं मिलेगी, वो हम लोग दे देते हैं, वो लेके जाएंगे। उस पर उन्होंने बहुत आपत्ति जपाया और बहुत उल्टा सीधा बोला आप लोग को भी हम अरेस्ट कर लेंगे। हम बोले अरेस्ट कर लीजिए। तो बोले आप कौन हैं क्या है। हम बोले भाई हम लोग भी एक संस्था से हैं, एंटी करप्शन संस्था से हैं। और तो बोले कार्ड दिखाइए। तो बोले ये कार्ड तो जाली है, हम कहे आपको समझ में नहीं आ रहा दरोगा जी, आप नए दरोगा बनाए हैं, किस बैच के हैं। तो उन्होंने कहा 2018। हम बोले इसलिए आपका समझ का फेरा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि हम लोग संस्था से हैं और आप बोल रहे हैं एंटी करप्शन अफसर। मैं एंटी करप्शन अफसर नहीं, मैं एंटी करप्शन नेशनल एंटी करप्शन संस्था से हूँ और जिला का प्रभारी हूँ, ये दावा के साथ कह रहा हूँ। और मेरी सर्टिफिकेट की जाँच कर ली जाए, अगर ये गलत है तो मुझे जेल भेजा जाए, अन्यथा आप पर भी कार्रवाई की जाए। आपके द्वारा ये कहा गया था कि आप ACB टीम के अधिकारी हैं? जी नहीं, मैंने कहा मैं नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो का NGO का सदस्य हूँ, जिला का प्रभारी हूँ। ये दबोचलों की आवाज़ उठाने के लिए ये संस्था बनी है, मजरूमों पर जुर्म नहीं हो उसको रोका जाए, उसके लिए ये संस्था का गठन हुआ है।